हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिग बिलियन डे सेल के बारे में। तो दोस्तों, आज वाली वीडियो में आपको आईफोन के सारे मॉडल की डिटेल दूंगा मैं। अभी जो लेटेस्ट डील आने वाली है, जिसकी प्राइस मैं आपको बता दूंगा, ड्रॉप होगी जो मैं बता दूंगा, और कार्ड ऑफर और बैंक डिटेल्स भी मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में, और कुछ पॉइंट्स और कुछ टिप्स है वो लास्ट में दिखा दूंगा आप। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आईफोन 12 मिनी से बात करते हैं अपन, है ना, क्योंकि 11 में आपको लास्ट में बता दूंगा, पूरी डिटेल में बताना पड़ेगा आपको, तो वो मैं एंड में बता दूंगा आपको वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं वैसे, ठीक है। तो अब बात करते हैं आईफोन 12 मिनी की। इस सेल में ये आपको 30,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो इसमें अब बात करते हैं हम कार्ड ऑफर की, तो 2 से 3 हज़ार का ऑफर इनमें देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगले मॉडल आईफोन 12। इस सेल में आपको ये 36,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, है ना। और अब बात करते हैं कार्ड्स ऑफर की, तो ये इसमें भी वही सीन है, 2 से 3 हज़ार रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले मॉडल आईफोन 13 के तरफ। तो ये अपना 45,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, कार्ड ऑफर लगाएंगे 2 से 3 हज़ार तक का डिस्काउंट इनमें देखने को मिल जाएगा। तो हमारा अगला मॉडल है आईफोन 13 मिनी। सेल में आपको ये 39 से 40 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों इस पर बैंक कार्ड ऑफर नहीं है। तो हमारा अगला मॉडल है आईफोन 13 प्रो। तो इस सेल में आपको ये 83 से 84 हज़ार तक के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। इन कार्ड ऑफर की बात करें तो ये आपको 3 से 4 हज़ार तक के बीच में देखने को मिल जाएगा, ऑफर लगाए तो। तो हमारा अगला मॉडल है आईफोन 13 प्रो मैक्स, जो कि बड़ा वाला है। तो इसकी प्राइस आपको इस सेल में देखने को मिल जाएगी 90,000 तक में, और बैंक ऑफर की बात करें तो 3 से 4 हज़ार का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो अब बारी आती है आईफोन 14 की, जो कि इस सेल में आपको देखने को मिल जाएगा 50,000 तक में देखने को मिल जाएगा, और इस पे कार्ड ऑफर की बात करें तो 3 से 4 हज़ार का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, जो कि आपको फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का कार्ड है, तो इसमें आपको 5% का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, जो है 1,500 रुपये। इसमें आपको 2,500 का कैशबैक भी मिलता है। तो कुल मिला के बात ये होती है कि 4,000 का डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये आपको मोबाइल पड़ेगा 46,000। तो हमारा अगला मॉडल है आईफोन 14 प्लस, जो कि मिलता है आपको 60,000 रुपये का। इसमें आपको बैंक कार्ड ऑफर मिलता है 2 से 3 हज़ार रुपये का, वही वाली बात है। तो हमारा अगला मॉडल आईफोन 14 प्रो, जो कि आपको इस सेल में देखने को मिल जाएगा 93 से 94 हज़ार रुपये तक में देखने को मिल जाएगा, और कार्ड ऑफर की बात करें तो 2 से 3 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें। हमारा अगला मॉडल है आईफोन 14 प्रो मैक्स की प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी इस सेल में 1,00,000 से 2,000 तक, और 1,00,000 से 3,000 तक में देखने को मिल जाएगी। और इसकी बैंक ऑफर की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा 2 से 3 हज़ार रुपये तक का मिल जाएगा। तो गाइस, अब बात करते हैं आईफोन 11 की। मैंने आपको बोला था लास्ट में बता दूंगा, तो इसको डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो यह मॉडल 4 से 5 साल पुराना हो गया है, तो इसमें बहुत कॉमनली फीचर कम है, और ये 5G डिवाइस नहीं है, 4G चलता है इसमें। और ये शायद आएगा तो नहीं, पर आएगा तो ये अमेजोन पे ही आएगा, है ना। तो आएगा तो ये 26 से 27 हज़ार तक में देखने को मिल जाएगा। कार्ड ऑफर की बात करते हैं, 1 से 2 हज़ार का कार्ड ऑफर मिल जाएगा। तो अब कुछ टिप्स की बात करते हैं। अगर आपको अपना फेवरेट मॉडल आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले खरीदना हो, तो आपको पहले फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर बनना पड़ेगा, या फिर अमेजन प्राइम मेंबर बनना पड़ेगा, क्योंकि इनमें एक दिन पहले यानी कि 24 घंटे पहले सेल स्टार्ट हो जाती है। अब सेल की डेट की बात कर लेते हैं, जो कि सितंबर लास्ट में है। अभी जो डेट बताई गई है उसके हिसाब से 23 सितंबर को स्टार्ट हो। तो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।